गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकिता पटेल, असम एक विद्यालय किला, पार्ट डी, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। तो बच्चों, हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा? तो नंबर 1, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। तो लड़के ने ऐसा सरदार से क्यों कहा? तो लड़के ने उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। प्रश्न नंबर 2, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। तो सरदार ने ऐसा डाकुओं से क्यों कहा? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफियाँ हैं। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है और आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। नंबर 3, आप अब्दुल्ला कादिर की जगह होते तो क्या करते? तो बच्चों, आपको ये सोचकर लिखना है कि आप अब्दुल्ला कादिर की जगह पे होते तो आप क्या करते। तो आप लिख सकते हैं कि कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफियाँ डाकू को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और आप और एक आप हैं कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। ऐसा आप कोई भी वाक्य लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, शब्द दिए गए हैं तो पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, यहाँ पर विरोधी शब्द दिए गए हैं तो हम देखते हैं। माँ का विरोधी शब्द बाप, बड़ा का विरोधी शब्द छोटा, सच का विरोधी शब्द झूठ, नेक का विरोधी शब्द बेईमान, प्रसिद्ध का विरोधी शब्द अप्रसिद्ध, आज का विरोधी शब्द कल और पास का विरोधी शब्द दूर। तो बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। तो बच्चों, हमने जो लेसन सच्चा बालक कहानी देखी है उसका आपको यहाँ पर कथन यानी कि कथन एवं लेखन करना है। तो बच्चों, आपको ये कहानी आपकी नोटबुक में लिखनी है। प्रश्न नंबर 6, पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हिंदी दैनिक पत्र दिया गया है। यहाँ पर अहमदाबाद, रविवार 28 अगस्त 2011। तो बच्चों, यहाँ पर समाचार पत्र यानी कि दैनिक पत्र दिया गया है तो हमें उसे पढ़ना है और आपको उसके पीछे जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं तो हम आपको ये दैनिक पत्र पढ़ना है और मैं आपको प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। प्रश्न नंबर 1, अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो अखबार में छपा समाचार पत्र 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। प्रश्न नंबर 2, समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन आपको पढ़नी है और जो है वो लिखनी है। प्रश्न नंबर 3, समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए तैयार होने वाले गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। प्रश्न नंबर 4, समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आपको उनमें से 4 प्रश्न बनाने हैं और आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं तो हमें उसका समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो
नगर, नगर का समानार्थी शब्द होगा शहर। बड़ी, बड़ी का समानार्थी शब्द होगा विशाल काय। गणपति, गणपति का समानार्थी शब्द गणेश। खास, खास का समानार्थी शब्द विशेष। अतिथि, अतिथि अतिथि का सॉरी समानार्थी शब्द मेहमान। मूर्ति, मूर्ति का समानार्थी शब्द होगा प्रतिमा। तो बच्चों अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर एक, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर एक, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। प्रश्न नंबर दो, बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र 9 साल की थी। प्रश्न नंबर तीन, लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी? तो लड़के के पास 40 अशर्फियाँ थी। नंबर चार, लड़के ने अशर्फियाँ कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशर्फियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। प्रश्न नंबर पाँच, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। प्रश्न नंबर छह, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न नंबर सात, सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। प्रश्न नंबर आठ, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। तो बच्चों अब हम प्रश्न नंबर दो देखते हैं। सही जोड़े मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों हमें सही जोड़े मिलाने हैं। तो नंबर एक, कड़क कर बोलना। कड़क कर बोलना यानी कि उसका अर्थ होता है कि कठोरता से बोलना, कठोरता से बोलना। और उसका वाक्य बनेगा कि पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। दूसरा, घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ क्या होगा? हार मानना। तो उसका वाक्य बनेगा, अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। प्रश्न नंबर सॉरी तीन, नेक रास्ते पर चलना। नेक रास्ते पर चलना उसका अर्थ होगा कि सही रास्ते पर चलना। और उसका वाक्य बनेगा, संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। चार, आंखों का तारा होना। तो उसका अर्थ क्या होगा? बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। तो उसका वाक्य बनेगा कि माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। पांच, कान फूंकना। कान फूंकना यानी कि उसका अर्थ क्या होगा? कान में कहना। तो वाक्य बनेगा, कोई लोग सासू बहू के कान फूंक सॉरी सासू बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा करवाते हैं। तो बच्चों आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।